सर, आप एक स्टोन कॉन्ट्रैक्टर हैं और आज मार्केट में जब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी क्लाइंट सामान लेने जाता है, स्पेशली स्टोन, मार्बल या ग्रेनाइट का, तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन रहता है सिलेक्शन को लेके, क्या साइज लगाना चाहिए, क्या थिकनेस लगानी चाहिए। तो एज ए कॉन्ट्रैक्टर, आप उन क्लाइंट को ध्यान में रखते हुए आपका क्या सुझाव रहेगा उनके लिए कि एक सही मार्बल, एक सही ग्रेनाइट का या एक सही स्टोन का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और कौन सी चीज़ कौन सी जगह पे हमको यूज करनी चाहिए? देखो सर, इंटीरियर पार्ट में जितना भी है, इंटरनल एरिया में हम इटालियन कहीं भी यूज कर लें। अंदर की तरफ हम इटालियन जैसे परचेज करते हैं तो इटालियन, कई लोग क्या होते हैं पता नहीं होता बेचारों को, वो इटालियन बाहर भी लगा देते हैं जबकि बाहर के लिए इटालियन स्टोन है नहीं। हमारे यहाँ की जो धूप, गर्मी, बरसात जितनी भी है इसके अकॉर्डिंग इटालियन स्टोन बाहर के लिए है ही नहीं। तो मेरा सुझाव तो यही है कि इंटरनल एरिया में इटालियन चाहे हम 300 रुपये का लगाएं, चाहे 500 का लगाएं, 200 रुपये का लगाएं, एक अच्छा मटेरियल देखें, परचेज करें। और पिनोल वगैरह ये सारी चीज़ें स्टोन के अंदर होती हैं तो वो चीज़ें देखना, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर ही देख सकता है, बारीकियाँ कॉन्ट्रैक्टर बता सकता है। तो क्लाइंट डायरेक्ट जाके भी माल लाते हैं, मुझे ऐसा नहीं है, कई लोगों पर टाइम होता है, कई लोगों के ठेकेदार नहीं होते, फाइनल पहले स्टोन आ जाता है। तो ये बहुत सी चीज़ें, ग्रेनाइट इंटरनल की बजाय बाहर के एरिया में जहाँ भी यूज करते हैं, धूप वगैरह सारी चीज़ें बर्दाश्त कर लेता है, पानी भी बर्दाश्त करेगा, धूप भी बर्दाश्त करेगा। तो ये मेरा तो क्लाइंट अगर हैं तो उनके लिए सुझाव यही है कि ज़्यादा बेहतर है कोई भी इटालियन स्टोन हम धूप वाले एरिया में यूज ना करें, कहीं भी बाहर इटालियन ना लगाएं। और ग्रेनाइट जो भी, जितना भी ग्रेनाइट है वो सब बाहर के लिए बना हुआ है, वो सारा यूज बाहर करते हैं। राइट, ये तो एप्लीकेशन की बात हो गई नाहर सिंह जी, अगर हम उसकी केयर की बात करें ताकि हम उस पत्थर को, उस मार्बल को सालों साल चला सकें, तो उसमें आपका क्या सुझाव रहेगा? सर, घर कंप्लीट होने के बाद में हमारे इंडिया का कल्चर ये हो गया है कि हमारे जूते भी जो है ना वो बेडरूम में जाके उतरते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर घर हमारा कंप्लीट है, अगर शूज बाहर उतर जाते हैं तो मेरे हिसाब से 10 साल भी पॉलिश कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शू और जितने भी स्लीपर वगैरह हैं ये एज ए रेगमाल का काम करते हैं। तो जितना भी घर के अंदर मूवमेंट होता है, हम शू पहन करके और इधर से उधर, उधर से उधर निकलते हैं, तो वो सारा का सारा स्क्रैच देता है। अगर शू घर के अंदर बाहर रहेंगे तो मेंटेनेंस बड़े अच्छा रहेगा और फर्श आपका हमेशा चमका हुआ रहेगा।